आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल मीडिया से संबंधित सभी बिंदुओं को बारीकी ढंग से बताया गया। बैठक का शुभारंभ जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित करके किया। सोशल मीडिया के सह संयोजक मयूर भाटिया द्वारा प्रोजेक्टर पर जिला मुरादाबाद के 16 मंडलों से आए हुए मंडल अध्यक्ष, आईटी संयोजक तथा जिला कार्यकारिणी के सदस्य एवं मंडल कार्यकारिणी के सदस्यों को सोशल मीडिया पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम तथा विकास करने की योजनाओं से अवगत कराना है, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, व्हाट्सएप को किस तरह से अपडेट किया जाए, किस तरह से किसी के ट्विटर पर रीट्वीट किया जाए, इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं को दी। सोशल मीडिया का अर्थ है कि पार्टी की योजनाओं को फेसबुक अकाउंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए से जन जन तक पहुंचाना तथा उस योजनाओं से लाभान्वित सदस्यों को कमेंट करना आदि इसी के अंतर्गत आता है। आज की बैठक में जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, कमल प्रजापति, हरज्ञान सिंह, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी, सत्यपाल सिंह, अभिषेक सिंह, शुभम वाल्मीकि, आदित्य, मनीष कश्यप, मनोज चौहान, रंजीत ठाकुर, डॉक्टर रामकिशोर सिंह, राजपाल सिंह प्रजापति, अखिलेश बिश्नोई, जीतू वर्मा, सत्यवान सिंह चौहान, विपिन कुमार आदि मंडल के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। ये हम लोगों ने, संगठन ने मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर आज जो हमने बैठक बुलाई है, सोशल मीडिया प्रभारी और आईटी संयोजक इनकी बैठक बुलाई है, इसके साथ साथ मंडल अध्यक्ष बुलाए हैं और इसके साथ साथ जिले के पदाधिकारी हमने बुलाए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जो कार्य है वो हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा, बहुत सारी योजनाएं ऐसी जो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, अभी जैसा राशन लेके जा रहा है हमारा एक जिसको आवश्यकता है, उसको ये पता नहीं होता कि भाई राशन कौन दे रहा है, वो सोचता है डीलर दे रहा है। तो इस सब के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, आईटी के माध्यम से हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब नीचे तक जनता तक पहुंचे, और आने वाले चुनाव में अभी जो 2022 में आ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर किया है, और जो वायदा किया था अपने चुनावी मुद्दे जो रखे थे, उन्होंने चुनाव के संबंध में जो वादे किए थे वो 4.5 साल में पूरे किए हैं। इन सबको नीचे तक पहुंचाना, विधानसभा से जिला, जिले से मंडल और मंडल से सेक्टर के माध्यम से हमारे जो बूथ है उन बूथ स्तर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक ये सभी कार्यक्रम जो योजनाएं हमने की हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सुविधा दी है वो पहुंच जाए, इसीलिए आज उसको क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई है। और शिकायतें आ रही हैं कुछ कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे, उनके लिए क्या संदेश दिया? देखिए, काम तो हमारे पार्टी में सब लोग करते हैं, अब थोड़ा बहुत कोई कम करता, कोई बढ़ते करता है ना, तो उसके लिए भी आज हम लोगों ने सबको बुला रखा है, उनको एक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि वो कार्य करें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 300+ उत्तर प्रदेश में विधायक बनाकर सरकार बनाएं।